टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां बेहतर सुविधाओं के साथ खुला मेडिसिन मार्ट जरूरतमंद लोगों के घरों तक पहुंच सकेगी दवा। आपको बता दें कि रविवार को पटेल रोड TVS एजेंसी के सामने मेडिसिन मार्ट का शुभारंभ रमा हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह के द्वारा किया गया। मेडिसिन मार्ट का फीता काटकर डॉक्टर अमित सिंह ने शुभारंभ किया। तत्पश्चात मेडिसिन मार्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का मेडिसिन मार्ट खुला है, यह बहुत सी जरूरी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं जिसकी सुलभ उपलब्धता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुनिश्चित करना होगा कि मेडिसिन मार्ट से ज़्यादा समय तक खुला रहे। प्रबंध के हिसाब से रात में यदि किसी गांव के मरीज की जरूरत पड़ जाए तो दवा उपलब्ध हो। घर में अकेले माँ बाप हैं, वह बाहर दवा लेने के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके लिए लोगों के घर तक दवा पहुँचाने की सुविधा मिले। शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट गुर्दे के मरीज जिनकी दवाएँ लंबे चलती हैं, ऐसे मरीजों की दवाएँ सुलभता से उपलब्ध होने पर उनको सुविधा मिले। दवाएं सभी ब्रांडेड कंपनियों की उपलब्ध हैं तथा दवाओं की क्वालिटी अच्छी है। बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, ऐसे में जो हार्ट और सांस के मरीज हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिलेगी। दवाओं की अच्छी क्वालिटी के साथ डोर टू डोर घरों तक लोगों को दवाएँ पहुँचाई जाएंगी। किसी मरीज की रात दवा के अभाव में ना कटे, जिसके लिए मेडिसिन मार्ट को खोला गया है। आज सुनाते हैं कि उद्घाटनकर्ता अमित सिंह और संचालक रणविजय यादव ने क्या कुछ कहा। खेत में आपने मेडिकल स्टोर मार्ट खोला हुआ है, जी सर, ग्राहकों को और मेडिकल से पीड़ित लोगों को क्या क्या सुविधा देंगे इसके बारे में? मैं चाहता हूं कि यहां पर 24 आवर्स मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराऊं और साथ साथ ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा और अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन उपलब्ध कराऊंगा। साथ साथ अगर कोई आने में असमर्थ है 8-10 किलोमीटर के अंदर, उसको डोर टू डोर देने की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्र में कई ऐसे वैक्सीन जो मिलते रहते दो दिन के नहीं, वैक्सीन की तो वैक्सीन के लिए जितनी वैक्सीन है सारी अवेलेबल रहेंगी हमारे पास, किसी भी प्रकार की हो जो भी, और अदर लोगों को भी दी जाएंगी वैक्सीन। सारी प्रकार की हमारे सारी वैक्सीनें हमारे पास उपलब्ध रहेंगी। उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा? आपके उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, अगर आएंगे तो उनको डिस्काउंट भी मिलेगा और समय के हिसाब से जो उनको मतलब उपलब्धता करानी है, अगर नहीं रहेगी तो उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ पे इसके बारे में। नहीं देखिए, पहले तो मैं मेडिसिन मार्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने एक ये मेडिसिन का मार्ट खोला हुआ है, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्वास्थ्य हो चाहे औषधियाँ हों, ये बहुत ही इमरजेंसी चीज़ों में आती हैं और ये सबकी सुलभ उपलब्धता होनी चाहिए। तो मैं पहले तो इन लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये खुला रहे, और अगर कोई प्रबंध हो सके तो एक ऐसा भी इनको एक सुविधा देनी चाहिए कि रात बिरात भी अगर किसी गांव के आदमी को ज़रूरत पड़ जाए तो दवा उपलब्ध हो जाए। और कुछ चीज़ें मैंने जो बोली भी हैं कि अगर मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो घर में अकेले माँ बाप हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, वो दवा लेने नहीं आ पा सकते हैं, तो कुछ एक ऐसी सुविधा भी ये बनाएं कि यहाँ से दवा घर में भी कम से कम अगल बगल के एरिया में जहाँ तक ये लोग डिलीवर कर सकते हैं वहाँ तक दे दें। क्योंकि क्या होता है, शुगर का मरीज हुआ या ब्लड प्रेशर का मरीज हुआ या हार्ट के ही पेशेंट होते हैं या गुर्दे के मरीज होते हैं, इनकी दवाएं लंबी चलती हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है कि अगर ये महीने महीने 15-15 दिन या 7-7 दिन पे भी सुलभ वहाँ पे उपलब्धता करवा लेंगे तो बहुत से लोग जो अकेले रहते हैं, जो आने जाने में सहज नहीं है, उनको बहुत सुविधा होगी। और मैंने अभी देखा है तो दवा इन्होंने सभी अच्छी ब्रांडेड कंपनियों की रखी हुई हैं और दवाओं की वैरायटी अच्छा है। बहुत सी ऐसी दवाएं इमरजेंसी होती है जो गांव क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, जो कि हार्ट के लिए या सांस के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि दवाओं की जो वैरायटी है, जो अच्छी कंपनियों की उपलब्धता है, और वो बहुत अच्छा है यहाँ पे, और इसके लिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आगे और जो दवाओं का और जो वैरायटीज़ हैं, जो और अच्छी कंपनियों की दवाएं, वो इसमें इंक्लूड करें और कोशिश करें कि डोर टू डोर, जैसा कि विदेशों में अब हो रहा है, डोर टू डोर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक दवा ये खुद पहुंचाएं, ताकि अब वो दिन ना आ जाए कि रात बिरात अगर किसी को बुखार हो गया, दर्द हो गया,
कोई बेचारा ऐसा आदमी है जो नहीं आ सकता है, अकेले कोई माँ घर में बैठी हुई है, तो ऐसा ना हो कि उसकी रात दवा के अभाव में कट जाए। तो एक बार पुनः मैं मेडिसिन मार्ट को, वीरेंद्र जी को, भैया को एकदम बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से इस मेडिकल स्टोर को चलाएं और इसकी उन्नति हो दिन प्रतिदिन, अच्छी दवाएं हो और अच्छी आप लोग सर्विसेज दें, और आगे भी ऐसे और स्टोर आप खोलें, इसकी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।